पहले हर हर महादेव सभी दोस्तों को। और दोस्तों, जैसे कि एक कमेंट आया था, एक हाथ पर चलने वाला बम जो जा रहे देवघर की यात्रा में। और दोस्तों, सबसे पहले मुझे लगा कि उनको ढूंढना चाहिए, तो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद आप सभी तक पहुंचाया हूं। और जैसे कि दोस्तों आपने देखा थंबनेल में, तो दोस्तों सेम वही चीज़ दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि वो कहां तक गए हैं, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए, अभी हम ये रहा टंकेश्वर का कांवरिया पथ पर खड़े हैं, और बगल में देखिए दोस्तों, ये रहा हाईवे सुल्तानिया देवघर, और ये रहा कांवरिया पथ सुल्तानिया देवघर का। और दोस्तों, यह जो बम बिच्छू बम के नाम से जाना जा रहा है, और क्योंकि दोस्तों वो बिच्छू के तरह ही चल रहे हैं कांवरिया पथ पर। और लगभग दोस्तों यहाँ से 86 दिन लग गए यहाँ पर पहुँचने में। और दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, और आगे पूरा वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक करते जाइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ये बम जो है बलिया के रहने वाले हैं, जैसे कि आपका कमेंट आया था कि बलिया से एक बम गए हैं, तो हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर जब ये लोग विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ पर ही हमने पूछताछ किया था, तो इन्होंने बताया कि हाँ बलिया यूपी से हैं। और दोस्तों ये यात्रा पर चले हैं, इन्होंने बताया कि हम सावन की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन यात्रा शुरू किए थे। तो यहाँ से देखते जाइए दोस्तों, इनकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है। जब ये विश्राम करने में लगे रहते हैं, और विश्राम करने के बाद जाते हैं, और आगे क्या क्या करते हैं, और कैसे यात्रा को शुरू करते हैं, तो हम दिखाते जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पहुँच चुके हैं जहाँ पर इन्होंने निशान लगाए थे, और जहाँ पर अपना जल को रखा था। दोस्तों जहाँ पर ये रुकते हैं, वहीं पर अपने जल को रख देते हैं। और देखिए दोस्तों, ये अपने प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं, और यहीं पर इन्होंने अपना जल रखा था। तो चलिए हम पूरा देखते हैं और क्या हो रहा है, और कैसे करते हैं अपनी प्रक्रिया को। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपना जल रखा था, और जल को खोल रहे हैं, और फिर आगे आप देखते जाइए कैसे अपना यात्रा को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये अजूबे से कम नहीं है, हमने तो इस यात्रा देवघर वाली यात्रा में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों आप क्या पहली बार देख रहे हैं, या फिर और पहले देखे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, निशान वाले जगह पर पहुँच गए, यहीं पर इन्होंने निशान लगाए थे, और पीछे इनके साथ एक सहयोगी बाबा रहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल को अच्छी तरह से बांध लिए हैं, और इसके बाद देखते हैं आगे किस प्रकार से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप भी देखते जाइए, और आप दोस्तों कैसा देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आगे भी देखे हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि ऐसा यात्रा और भी आगे हो चुका है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस प्रकार अब शुरू करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये शुरू करने वाले हैं, और देखिए किस प्रकार चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बिच्छू के जैसे, इसलिए इनको बिच्छू बाबा भी कहते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध हो रहे हैं बिच्छू बाबा के नाम से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैसे चल रहे हैं लगातार, बिल्कुल दोनों पैर को ऊपर करके, और हाथ के बल पर दोस्तों पूरे 100 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। और दोस्तों जैसे कि लगातार हमने आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं, जैसे कि फिर रुक जाते हैं और फिर से शुरू करते हैं, यहां पर देख रहे हैं, और फिर दोबारा दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार शुरू करेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों देख रहे हैं, ये देखिए। और दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में, तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों महाकाल के ऐसे सच्चे भक्त के बारे में। दोस्तों देख रहे हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे कि दोस्तों आपका कमेंट था, वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, और यही वो बाबा हैं, और हम यहाँ तक पहुँच पाए दोस्तों। ये रहा टंकेश्वर का धर्मशाला इस साइड पर। और दोस्तों लगभग जैसे कि हमने बताया वीडियो में, 86 दिन लगभग लगा दिए हैं यहाँ तक आने में, और बाबा तक पहुँचने में पता नहीं और कितने दिन लगेंगे, बाबा ही जाने। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिए, और भी हो सकता है आगे हम दिखाएंगे, जैसे कि देख जाते हैं, और इनके सहयोगी लगातार लगे रहते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। और यहाँ से देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं एक बार सामने से, और देखिए किस प्रकार फिर से शुरू करने वाले हैं, और देखिए शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों क्या आप जा सकते हैं ऐसे हाथ के बल यात्रा में, हाँ या ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
महाकाल की जो भक्त होते हैं ना, कैसे कैसे बुलाते हैं और कैसे कैसे जाते हैं, ये तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे, और हमें लगता है कि दोस्तों इस प्रकार की यात्रा में, जैसे कि जहाँ पर पहाड़ों वाला इलाका होता होगा, जहाँ पर चढ़ाई वाला होता होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता होगा दिक्कतों का सामना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम एक बार परिक्रमा कर रहे हैं और आपको भी परिक्रमा करवा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, एक बार कर चक्कर लगा देते हैं बाबा के चारों ओर। और देखिए, एक सहयोगी बाबा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे पीछे का ध्यान रखते हैं। और देखिए दोस्तों, लगभग आगे देखते हैं अब कितना दूर, कितना देर में लगाते हैं और कब पहुँचेंगे बाबा के यहाँ, ये तो बाबा ही बताएंगे, मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक रहेगा, और मैंने आपका रिकमेंड को पूरा कर दिया, और मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया ढूँढने में, क्योंकि बाबा जो है अभी विश्राम कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं चल पाया था। तो दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। सभी दोस्तों को जय बाबा बैद्यनाथ।